नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर कानपुर से। नोडल अधिकारी श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गांव स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया गया। गौशाला निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां पर कितनी गायों की संख्या है इसके विषय में जानकारी ली। वहां पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 2844 गाय हैं। इस पर उन्होंने गाय के खाने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि चारे की कोई समस्या नहीं है, यहां प्रतिदिन 22 क्विंटल हरा चारा भी आता है। 25 एकड़ भूमि में बने इस गौशाला में अलग अलग शेड बनाए गए हैं तथा ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी अलग अलग जगह लगाई गई है और अन्य जगहों पर शेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस गौशाला में अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि में नेपियर घास तथा अन्य 25 एकड़ भूमि पर पौधारोपण का कार्य किया गया है। वहीं गाय के गोबर के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत CNG प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने गाय के गोबर से लकड़ी व गाय मूत्र से फिनाइल बनाने का प्लांट भी लगाने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी कानपुर नगर, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर, अपर जिला अधिकारी कानपुर नगर तथा जिला पशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। अभी आप निरीक्षण में मेरे साथ ही थे, आपने देखा 25 एकड़ पे गौशाला बनाई हुई है, लगभग 2500 गौवंश है यहाँ पे। और इस एरिया में 25 एकड़ के अलावा एक और 25 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं और 50 एकड़ के आसपास एरिया में पेड़ और चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ पे बताया गया कि जो गोबर है उसका उपयोग किया जाएगा CNG गैस बनाने के लिए और जो गौमूत्र है उसका भी उपयोग करने की पूरी तैयारी है। यहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके द्वारा बताया गया कि कुछ कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसके कारण कभी कभी कठिनाई आती है। बाकी व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे और अच्छा काम हो रहा है। उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट।